नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम विश्वकर्मा पूजा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। भगवान विश्वकर्मा इस सृष्टि के निर्माता माने जाते हैं और वे ब्रह्मा जी के साथ मिलकर इस सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान विश्वकर्मा संसार के पहले इंजीनियर और वास्तुकार माने गए। विश्वकर्मा पूजा के दिन कारखानों, औजारों, मशीनों सभी चीज़ों की पूजा होती है। इस दिन कारखाने वगैरह में बहुत धूमधाम से पूजा की जाती है। विश्वकर्मा शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है, विश्व यानी संसार और ब्रह्मांड, और कर्म यानी निर्माता। मतलब कि विश्वकर्मा शब्द का अर्थ हुआ कि पूरे संसार के निर्माता। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म और धर्म के पुत्र वास्तुदेव, उन्हीं वास्तुदेव की पत्नी अंगिरसी से भगवान विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ। भगवान विश्वकर्मा इस सृष्टि के निर्माता माने जाते हैं। वे माना जाता है कि सोने की लंका का निर्माण भी उन्होंने ही किया था। विश्वकर्मा पूजा के दिन सभी लोग अपने घरों में सुख शांति और अपने कारोबार में तरक्की के लिए काफ़ी धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा करते हैं। जिन लोगों के पास वाहन होते हैं वे लोग अपने वाहन की भी पूजा करते हैं। साल 2023 में विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को पड़ा है और इसका शुभ मुहूर्त है 7:50 से 12:05 तक। अगर इस दौरान आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप 1:59 से 3:31 के अंदर शुभ मुहूर्त एक और आप लोगों को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मेरे ऑफिस में विश्वकर्मा पूजा कैसे मनाया जाता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को इस मेरा ये ब्लॉग देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो यहीं तक का था। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए